Good morning, Standard 12. Welcome to e-learning class. Let us continue our discussion on ray optics. We are discussing refraction at a spherical surface. आज हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, जिसको थिन लेंस फॉर्मूला भी कहा जाता है. लेंस मेकर्स फॉर्मूला और थिन लेंस फॉर्मूला, ये कन्वेक्स लेंस के लिए एप्लीकेबल है, जिसको कि हम सिंपली लेंस फॉर्मूला भी आगे जाके इसको कह सकते हैं. ठीक है, सिंपली 1/v - 1/u = 1/f. ये लेंस फॉर्मूला हम आज हम डिराइव करेंगे. पिछले जो दो डेरिवेशन हमने किया था रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सर्फेसेस को, हम वो दोनों स्फेरिकल सर्फेसेस को एड करेंगे. ठीक है, देखिए एक्चुअली ये कन्वेक्स लेंस है, और ये कन्वेक्स लेंस है. ये ग्लास से बना हुआ एक लेंस है. इधर यहां एयर है, यही एयर है, और ये बीच में ये क्या है, ग्लास है. तो ये मीडियम है म्यू वन, ये मीडियम हो जाएगा म्यू टू, ये इसको एन वन ही चूज करते हैं. दिस मीडियम इज एन वन, दिस मीडियम इज एन टू, एंड दिस मीडियम इज अगेन एन वन. ओके, एंड वी सपोज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है. एक पॉइंट ऑब्जेक्ट इंसिडेंट हुआ लेंसकेप पर, तो यहां पे ये दो स्फेरिकल सर्फेसेस से ये रिफ्रैक्शन होगा. पहले तो ये एक स्फेरिकल सर्फेस होगा, ठीक है, फ्रॉम रेरर टू डेंसर. ठीक है, तो इसको अगर हम ड्रॉ करें, ये x y अगर हम इसका नाम देते हैं, ठीक है, तो ये वाला सरफेस को हम ऐसे ये करें, देन ये मान लेते हैं कि x p है और ये p डैश है, तो ये हो जाएगा x p y. ठीक है, तो ये फ्रॉम n1 टू एन टू ऑब्जेक्ट लाइंग इन द रेरर मीडियम, पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइंग इन द रेरर मीडियम. ठीक है, तो एयर टू ग्लास में ये इस स्फेरिकल सरफेस में पहले एक बार रिफ्रेक्शन हुआ. ठीक है, इसमें एक कहीं एक इमेज बना होगा, ये इमेज मान लेते हैं कि आई डेस है. ठीक है, और ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट एम है, बीच वाला पॉइंट. ठीक, फिर ये इसका पहला सर्फेस का बनाया हुआ इमेज दूसरे स्फेरिकल सर्फेस के लिए ऑब्जेक्ट रहा होगा. दूसरे सर्फेस के लिए क्या होगा, वो दैट विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट. ये यहां से फिर ये आईडेस से कहीं ना कहीं एक रे को हम इंसिडेंट दिखा सकते हैं. इसका बनाया हुआ इमेज यहां पे बना, इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा. इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा. तो ये दूसरे सरफेस पर फिर दोबारा रिफ्रैक्शन होगा. ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पे ये इंसिडेंट हुआ, सेकेंड स्फेरिकल सरफेस है ये. ये x p डैश y हम कह सकते हैं, एंड द फाइनल इमेज इज फ्रॉम समवेयर, ये i है. तो ये ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज यहां पे बना. ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है, फाइनल पॉइंट, अगर हम इसको m लिखते हैं बीच में, तो ये फाइनल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा. ठीक है, हो जाएगा ये फाइनल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा v. ओके, और ये बीच में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहा, ये मान लेते हैं कि
डिस्टेंस रहा, ये वीडेस है। पहला स्फेरिकल सरफेस के द्वारा जहां इमेज बना वो वीडेस है। क्या है वो? तो वीडेस है। और इनिशियली ये जो ऑब्जेक्ट जहां था ये यू है, ठीक है। और इसका, इस सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो सी वन है और वो डिस्टेंस आर वन हम कह सकते हैं। और ये दूसरा का ये क्या हो जाएगा, ये सी टू। गुड मॉर्निंग, ओके, दिस इज अ सी टू, ओके। तो ये अगर प्लस आर वन है तो ये माइनस आर वन है, ये प्लस आर वन है तो ये क्या है, ये माइनस आर वन है, ठीक है, ओके। ये टोटल है कि दो स्फेरिकल सर्फेसेस में ये दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है। इस रे डायग्राम को आप ड्रॉ कर लीजिए पहले, ओके। तो हम सरफेस का नाम दिए हैं एक्स पी वाई, पहला रिफ्रेक्टिंग सरफेस, एक्स पी डैश वाई दूसरा रिफ्रेक्टिंग सरफेस, ठीक है। पहले एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से पहला सरफेस नंबर वन में इंसिडेंट हुआ, वहां रिफ्रेक्शन हुआ, उसका इमेज कहीं बना। पहला सरफेस के द्वारा बनाया गया इमेज दूसरे स्फेरिकल सरफेस जो एक्स पी डैश वाई है उसके लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब इसका जो वी डैश इमेज डिस्टेंस है दूसरे स्फेरिकल सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। यहां जैसे पहला है तो इट इज रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम एन वन टू एन टू, लेकिन जो दूसरा है इट इज रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम एन टू टू एन वन, ठीक है। ये डेंसर मीडियम से रेरर को रिफ्रैक्ट कर रहा है लास्ट सेकंड वाला, इसमें तो रेरर मीडियम टू डेंसर एयर टू ग्लास, लेकिन ये दूसरा जो स्फेरिकल सरफेस है लाइट कहां से आ रहा है, डेंसर से फाइनली एयर को निकल रहा है, ठीक है। तो सेकेंड रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम एन टू टू एन वन, हियर एन टू इज ग्रेटर देन एन वन, दोनों केस में क्या है, एन टू इज ग्रेटर देन एन वन, ठीक है। ये रे डायग्राम पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, ये इसमें रे डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें दो लाइन हम लिख सकते हैं, कंसिडर ए, ओके, कंसिडर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, कंसिडर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है, इंसिडेंट ऑन ए कन्वेक्स लेंस, यू इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके, यू इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके। दिस इंसिडेंट रे गेट्स रिफ्रैक्टेड इन द स्फेरिकल सरफेस gets refracted in the spherical surface xp y, ये इंसिडेंट में पहले एक्स पी वाई वाला स्फेरिकल सरफेस में इंसिडेंट हुआ, ठीक है। तो ये कहीं इमेज बना यहां पे, ठीक है, ये आईडीएस हो गया, ठीक है। और ये फाइनल इमेज यहां पे कहीं बना, इसके द्वारा रिफ्लेक्शन के बाद ये आई हो गया, ठीक है। इस लेंस के बनाया हुआ इमेज ये है, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है दूसरा सरफेस के लिए, फाइनल इमेज यहां पे बना, ठीक है। और ये फाइनल ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है वी, और ये जो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये फिक्स है, ये यू है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये फिक्स है, ये यू है, ठीक है, ठीक है। फॉर द स्फेरिकल सरफेस ओके,
फॉर द स्फेरिकल सरफेस एक्स वाई पी एक्स पी वाई वी कैन राइट, ठीक है, क्या है न्यू टू बाई वी डेस, न्यू टू बाई वी डेस माइनस न्यू वन बाई यू इज इक्वल टू न्यू टू माइनस न्यू वन बाई बाई आर वन बाई आर वन, ठीक है। ये इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये आर वन है, एक्स पी वाई डेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है आर वन है, ठीक है। इस सरफेस के लिए हमने ये रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था इसको लिख दिया न्यू टू बाई वी डेस माइनस न्यू वन बाई यू इज इक्वल टू न्यू टू माइनस न्यू वन बाई आर वन, ठीक है। फॉर विच सरफेस एक्स पी वाई, एक्स पी वाई ट्रेवलिंग फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ट्रेवलिंग फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। आप इस चीज को पूरा लिख लीजिए, जस्ट नोट डाउन एवरीथिंग। ओके, इसको इक्वेशन वन कर दीजिएगा, यू मेक इट इक्वेशन वन, ठीक है। पहला सरफेस का इसका जो रिफ्लेक्शन हमने रिलेशन लिखा है यू वी आर का, इसको इक्वेशन वन कर दीजिएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। इसमें एक चीज लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड, ओके, बाय एक्स पी वाई स्फेरिकल सरफेस एक्स एस ऑब्जेक्ट्स फॉर द स्फेरिकल सरफेस एक्स पी डेस वाई, ओके, एंड ओके, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकेंड सर्फेस है ये, आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्स पी डेस वाई, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम एक्स पी डेस वाई द फाइनल इमेज द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट आई, ठीक है। एंड वी क्या है, फाइनल इमेज डिस्टेंस, फाइनल इमेज डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा सरफेस के लिए हम लिखेंगे फॉर द स्फेरिकल सरफेस एक्स पी डेस वाई, फॉर द स्फेरिकल सरफेस एक्स पी डेस वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू टू बाई, ठीक है, वी माइनस, ठीक है, म्यू वन बाई वी डेस, ठीक है, क्योंकि ये इमेज है, ये हो जाएगा आपको वन से टू से वन को रिफ्लेक्ट हो रहा है ये, ठीक है। तो पहले हो जाएगा म्यू वन बाई वी, ठीक है, माइनस म्यू टू बाई, ठीक है, म्यू टू बाई वी डेस, म्यू टू बाई वी डेस इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर टू, उसमें टू माइनस वन था
इसमें 1 माइनस 2 होगा, ठीक है, ये दूसरे सरफेस के लिए, ठीक है। कल इसको भी हमने डिराइव किया था, तो क्या लिखेंगे हम, म्यू वन बाई वी, फाइनली मेज डिस्टेंस है ये, डिवाइडेड बाई म्यू टू बाई वी डैश इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर टू, ठीक है। ये दूसरे स्फेरिकल सरफेस के लिए ये रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए इसको इक्वेशन टू आप कर सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है, यू जस्ट नोट इट डाउन, ओके। इक्वेशन वन एंड टू को दोबारा हम लिखेंगे अभी पहले, ठीक है, तब ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इक्वेशन वन क्या आया था, देखिए इक्वेशन वन आया था म्यू टू बाई बी माइनस, ठीक है, म्यू टू बाई बी डेस आया था, ठीक है, माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन था, ठीक है। अभी ये वाला इक्वेशन क्या आया, म्यू वन बाई, ठीक है, वी माइनस म्यू टू बाई बी डेस इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई, ठीक है, आप एन लिए हैं या म्यू लिए हैं, आप यहां पे म्यू ले लिए, हम म्यू ले लिए ना, एन वन एन टू लेना था, ठीक है, इसको म्यू वन इसको म्यू टू कर सकते हैं, ठीक है, एन भी यूज कर सकते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को, म्यू भी रिफ्रेक्ट म्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को यहां पे सिंबल को क्या लिया है, म्यू लिया है, लास्ट में इन टर्म्स ऑफ एन भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एडिंग द अबव इक्वेशन, दोनों का एलएचएस, देखिए दोनों का एलएचएस, दोनों का आरएचएस अगर एड कर देंगे, देखिए ये म्यू टू माइनस म्यू वन है, लेकिन ये वन माइनस टू है, ये आर टू है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो म्यू वन बाई वी माइनस, ठीक है, माइनस माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू वन माइनस म्यू टू अगर हम कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई आर टू माइनस वन बाई आर वन, वन बाई आर टू माइनस वन बाई आर टू, ये 2 माइनस वन है इसलिए माइनस यहां पे आ गया, ठीक है। और इधर हम म्यू वन को कॉमन ले लेंगे इधर भी, तो 1 बाई वी माइनस वन बाई यू इधर कॉमन हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू, ठीक है। ये डायग्राम जस्ट हम मिटा दे रहे हैं फॉर बेटर क्लियरिटी, ठीक है। तो म्यू वन माइनस म्यू टू वन बाई आर टू माइनस वन बाई आर वन, यही है आपका लेंस फॉर्मूला भी आ गया है। ये म्यू वन को हमने इधर कॉमन ले लिया, इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आ जाएगा, वन बाई वी माइनस वन बाई यू, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू है ना, बाई म्यू वन हो जाएगा। इसको एन वन एन टू भी लिख सकते हैं, लास्ट में एन वन एन टू के टर्म्स में भी लिख देंगे, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, तो म्यू वन बाई म्यू वन हो जाएगा वन, वन माइनस म्यू टू बाई म्यू वन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आर टू माइनस आर वन, ठीक है, ये हो जाएगा वन बाई वी माइनस वन बाई यू, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिखा सकता है क्योंकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखा सकता है, और वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू वन माइनस, ये एन टू वन भी लिख सकते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू के बदले एन भी लिख सकते हैं, एन टू वन, ठीक है, इंटू वन बाय आर टू माइनस वन बाय, ठीक है, दिस इज कॉल्ड
शेफर्स फॉर्मूला। इसको क्या कहते हैं? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ओके,